नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जयपुर सिटी और मैं हूं आपके साथ मनीष शर्मा। जनता की फिर अग्नि परीक्षा। 23 और 24 अक्टूबर को चार पारियों में होने वाली पटवारी परीक्षा से पहले जिला प्रशासन की परीक्षा शुरू हो गई है। जयपुर में ही हजारों अभ्यर्थी दूसरे जिलों से परीक्षा देने आएंगे। उनके परीक्षा देने से लेकर वापस रवानगी तक को लेकर व्यवस्थाओं को ताना बाना बुनना जिला प्रशासन जुटा हुआ है। 23 और 24 अक्टूबर को दो दिन बसों से लेकर ट्रेनों में भारी भीड़ रहेगी। देखिए जयपुर में कितने सेंटर्स पर कितने अभ्यर्थी अलग अलग पारियों में देंगे परीक्षा और क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं, इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। जयपुर में 23 और 24 अक्टूबर को चार फेज में पटवारी परीक्षा आयोजित की जाएगी। जयपुर जिले में दो दिनों में 465 परीक्षा केंद्रों पर 3,64,000 अभ्यर्थी अपना भाग्य आजमाएंगे। फ्री एंड फेयर परीक्षा आयोजित करने के लिए जिला प्रशासन ने कमर कस ली है। अफसरों को अस्थायी बस स्टैंड से लेकर परीक्षा सेंटर्स पर तैनात कर दिया गया है। परीक्षार्थियों के आवागमन के लिए 5 अस्थायी बस स्टैंड पर कुल 835 बसों की व्यवस्था की गई है, जिसमें 335 रोडवेज बसें, 400 निजी बसें और 100 मिनी बसें रहेंगी। परीक्षा केंद्रों पर वीडियोग्राफी पर्यवेक्षक, वीक्षक, पुलिस नोडल अधिकारी की नियुक्ति कर दी गई है। अब इसमें मैक्सिमम अपने 92,000 एक पारी में है, जो 23 और 24 तारीख को पहली और दूसरी पारी में, बाकी दिन भी करीबन 89 है, पर उसमें काफ़ी संख्या में जयपुर के आदमी हैं। 24 तारीख को सभी लोग बाहर से आएंगे और 24 को बाहर से आने वालों की संख्या करीबन 99,000 के करीब है, 1,00,000 के करीब है। लगभग वही सेंटर्स हैं, तो 235 सेंटर अपने तोटों पर लाए हैं, जबकि रीट में 458 थे, इसलिए लगभग आधे सेंटर हैं। जयपुर में 23 अक्टूबर को एग्जाम देने के लिए करीब 1.80 लाख अभ्यर्थी सीकर, चूरू, झुंझुनू, अजमेर, टोंक, अलवर, दौसा, बीकानेर, सवाई माधोपुर समेत अन्य जिलों से जयपुर पहुंचेंगे। इसी तरीके से 24 अक्टूबर को भी इतनी संख्या में अभ्यर्थी जयपुर एग्जाम देने पहुंचेंगे। यहां पर दो दिन भीड़ भाड़ रहने की संभावना जताई जा रही है। उधर रोडवेज ने भी पटवारी भर्ती परीक्षा के अभ्यर्थियों के लिए निःशुल्क बस सेवा की सुविधा का फैसला किया है। 500 जो मेन बस स्टैंड हैं, जैसे बदरपुर जो अजमेर रोड की तरफ से आने वाले हैं, बदरपुर जो 200 फीट बाईपास रोड है वहाँ पर किया, विद्यानगर स्टेडियम में किया है, दूसरा टोंक रोड पर किया है, और जो अपने अजमेर रोड और नहीं जब दिल्ली रोड और आगरा रोड पर भी आयोजित किया गया है। बहरहाल रीट एग्जाम में की गई व्यवस्थाओं के बाद पटवार एग्जाम की व्यवस्थाओं को करने में जिला प्रशासन के अधिकारियों को ज्यादा माथापच्ची नहीं करनी पड़ी। रीट एग्जाम में एक ही दिन में लाखों की संख्या में अभ्यर्थियों का आना और व्यवस्था करना प्रशासन के लिए किसी चुनौती से कम नहीं था, लेकिन इस बार दो दिनों में अलग अलग पारियों में एग्जाम होने से थोड़ी राहत जरूर मिली है। दीपक गोयल, जी मीडिया, जयपुर।